आरसीबी के शेयरों ने पलट दिया आईपीएल का इतिहास, लगातार 5 मैच जीत कर कर दिया ऐलान। विराट के हर दांव में उलझी दिल्ली की टीम, अब आरसीबी भी खेलेगी आईपीएल 2024 में प्लेऑफ। हार के बाद मैदान में विफर गए कप्तान अक्षर पटेल, अब लखनऊ और चेन्नई की बड़ी धड़कने। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली और आरसीबी की भिड़ंत हुई, इस मुकाबले में आधे हिंदुस्तान की नजरें थी क्योंकि इसी से प्लेऑफ का गणित तय होना था। आज अगर आरसीबी हार जाती तो कह सकते हैं आरसीबी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाती, लेकिन दिल्ली के हारते ही आरसीबी के चांस दोगुना हो चुके हैं। अब आरसीबी भी आईपीएल 2024 का प्लेऑफ खेल सकती है, लेकिन मैच में क्या हुआ, कैसे दिल्ली के खतरनाक बल्लेबाजों को आरसीबी ने इस छोटी बाउंड्री वाले ग्राउंड पर रोक दिया, क्या हुआ गेंदबाजी में, यश दयाल और सिराज ने कैसे गेंदबाजी की, और साथ साथ बल्लेबाजी में रजत पाटीदार और विल जैक्स, साथ साथ कैमरन ग्रीन ने क्या खेल दिखाया, सब आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि कैसे आरसीबी इस बार आईपीएल का प्लेऑफ खेल सकती है। बस देखना हमारी छोटी सी रिपोर्ट, पहले दिखाते हैं आरसीबी की बल्लेबाजी। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, कप्तान फॉफ डुप्लेसी 6 रन बनाकर आउट हुए, इसके बाद विराट 13 गेंद पर एक चौका और 3 छक्के की मदद से 27 रन बनाकर आउट हुए, इसके बाद विल जैक्स ने रजत पाटीदार के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 53 गेंद पर 88 रनों की साझेदारी की, रजत ने 32 गेंद पर 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 52 रनों की पारी खेली, वहीं जैक्स अर्धशतक से चूक गए, वो 29 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 41 रन बनाकर आउट हुए, इसके बाद आए महिपाल लोमरोर 13 रन, दिनेश कार्तिक 0, स्वप्निल सिंह 0 पर आउट हो गए, करण शर्मा 6 रन बनाकर आउट हुए, वहीं सिराज ने पारी की आखिरी गेंद पर रन आउट हुए, कैमरन ग्रीन 24 गेंद पर 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 32 रन बनाकर आउट हुए। आरसीबी की बल्लेबाजी थोड़ी टकमगाई हुई थी, लेकिन पिच में काफ़ी वक्त से मैच नहीं खेला गया, जिस वजह से पिच में थोड़ा सा उछाल था, थोड़ा सा सीम था। जैसे ही विराट कोहली जब ईशांत शर्मा की गेंद पे आउट हुए ना, तो हर कोई देखकर दंग रह गया था, लेकिन जब बल्लेबाजी शुरू हुई दिल्ली की, अब दिल्ली के सामने 188 रनों का लक्ष्य था, लेकिन दिल्ली की भी शुरुआत अच्छी नहीं हुई, वार्नर पहले ही ओवर में 1 रन बनाकर आउट हो गए, आज जैक फ्रेजर 21 रन बनाकर बदकिस्मती से रन आउट हो गए, अभिषेक पोरेल और कुमार कुसागर 2-2 रन बनाए, इसके बाद आए शाही होप और अक्षर पटेल के बीच अच्छी साझेदारी हुई, होप 29 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं अक्षर पटेल एक छोर पर खड़े रहे और आखिर में आकर 39 गेंद पर 57 रन बनाकर आउट हो गए, स्टब्स 3 रन, रशिक धर सलाम 10 रन, कुलदीप यादव 6 रन, मुकेश कुमार 3 रन बनाकर आउट हो गए। आरसीबी की टीम ने दिल्ली के खिलाफ 47 रनों से ये अहम मुकाबला जीत लिया, और इस जीत के साथ ही आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आरसीबी ने 13 मुकाबले खेले हैं, 13 मुकाबलों में आरसीबी के पास 12 पॉइंट है, बेहतर रन रेट है, और आरसीबी की टीम पॉइंट टेबल पर 5वें नंबर पर आ चुकी है। यहां से आरसीबी के नीचे जो टीमें हैं उनमें दिल्ली आती है, उनमें लखनऊ आती है, जिनके पास भी 12-12 पॉइंट है, लेकिन आरसीबी का रन रेट इन दोनों टीमों से बेहतर है। अब आरसीबी से आगे जो 4 टीमें हो, सीएसके है, हैदराबाद है, साथ में राजस्थान और केकेआर। क्या आरसीबी प्लेऑफ खेलेगी? तो जवाब है हाँ। कैसे खेलेगी मैं आपको बताता हूं। आरसीबी का एक मुकाबला है, वो है सीएसके के साथ। अगर आरसीबी सीएसके को हरा देती है तो सीएसके के चांस थोड़े कम हो जाएंगे और साथ साथ आरसीबी का रन रेट बेहतर हो जाएगा। रन रेट के मामले में आरसीबी सीएसके से ऊपर आ सकती है। सिर्फ एक मुकाबला जीतने से आरसीबी का काम नहीं बनेगा, अब आरसीबी को दूसरी टीमों के खेल पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। पहले बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ के पास अब तक 2 मुकाबले बाकी हैं, लखनऊ भी 16 पॉइंट तक पहुंच सकती है। अगर लखनऊ 14 या फिर 12 में अटक जाए तो आरसीबी के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, चूंकि वो तो सीएसके को हरा सकती है। इसके बाद बात करें लखनऊ के मुकाबले की, तो लखनऊ एक मुकाबला खेलेगी दिल्ली से, एक मुकाबला खेलेगी मुंबई से, चूंकि दिल्ली पहले हार के 14 पॉइंट तक ही पहुंचेगी, 16 तो नहीं पहुंच पाएगी। बस लखनऊ एक मुकाबला हार जाए, लखनऊ 16 से तो नहीं पहुंचेगी, सिर्फ 14 पे अटक जाएगी, और रन रेट इन दोनों टीमों का आरसीबी से पहले से ही खराब है, यानी आरसीबी कुछ इस तरह से प्लेऑफ में पहुंच सकती है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी इस बार प्लेऑफ खेलेगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।